हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 3 ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, ग्लोब किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, ग्लोब मानचित्र से किस प्रकार भिन्न होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि ग्लोब मानचित्र से किस प्रकार भिन्न होता है। पहले हम मानचित्र के बारे में लिखेंगे। एक मानचित्र में छोटे से क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जा सकता है, चाहे वह एक मोहल्ला, नगर या देश हो। अब ग्लोब के बारे में लिखेंगे। ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दिखाया जा सकता है। इसमें संसार के छोटे छोटे क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पृथ्वी द्वारा परिक्रमण का चित्र अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से पृथ्वी द्वारा परिक्रमण का चित्र बनाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पुस्तक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखेंगे और उसे यहाँ बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे। तो बच्चों, यहाँ आपको बताना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस ने उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप की खोज करी थी। वे इटली के रहने वाले थे। कोलंबस असल में भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। आप इनमें सही शब्द लिख कर इन्हें पूरा करेंगे। क, रॉबर्ट पियरी डैश पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इस यहाँ लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव। ख, हमारी पृथ्वी एक और झुके हुए डैश की तरह है। तो यहाँ लिखेंगे, संतरे। ग, डैश पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो यहाँ लिखेंगे, विषुवत वृत्त। घ, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने में डैश का समय लगता है। तो यहाँ लिखेंगे, 365 दिन और 6 घंटे, क्योंकि बच्चों हर 4 साल बाद जब लीप वर्ष होता है तो उस साल 366वां दिन होता है। द प्रश्न, डैश ने दावा किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। तो यहाँ लिखेंगे, गणितज्ञ पाइथागोरस ने दावा किया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क, प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है। गलत। ख, प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नीचे स्थित बिंदु दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सही। ग, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। सही। घ, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हमें ऋतुओं का अनुभव होता है। सही। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।